अगर इंडिया को पैशन है मास्टर शेफ में आने का, तो हमें पैशन है इंडिया के होम कुक्स को ये मौका दिलाने का। आप सोच रहे हो कि मैं तिनसुकिया असम में क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ के एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड होम कुक का इंस्टाग्राम पेज देखा और ट्रस्ट मी, उसकी डिशेज आर एज ब्यूटिफुल एज असम। उसकी डिशेज का पैशन, उसकी एक्सपेरिमेंट, उसकी सेंस ऑफ प्लेटिंग, एवरीथिंग इज अमेजिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके फादर चाहते हैं वो उनका टी गार्डनिंग का बिजनेस संभाले। मेरा नाम है नयनज्योति सेकिया और मैं तिनसुकिया असम से हूँ। वैसे तो मैं टी गार्डन में काम करता हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी वक्त मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना है। लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से मुझे मैं अभी तक वो कर नहीं पाया। मैं आपके घर पे हजारों किलोमीटर दूर आपके हाथ की बनी हुई डिश चखने आया हूँ। मैं जितना भी कुकिंग करता हूँ सब मेरे बेडरूम में ही करता हूँ। आप चलिए, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। जब मैं इसका खाना देख रहा हूँ लड़के का, तो मुझे लग रहा है कि बहुत आइसोलेटेड जगह में रह के भी खाना बिल्कुल मॉडर्न डे कनेक्ट करने वाला खाना। दिस इज व्हाट इज सरप्राइजिंग मी। 30 मिनट में कहा है कि डिश बना के दिखाऊंगा, वो भी कॉम्प्लिकेटेड। आई होप ही कैन मेक इट। और दूसरा मेरा काम है इसके पापा को कन्विंस करना, मनाना के लड़के को एक चांस जरूर दें। इस लड़के में अलग एक जुनून है। आप सिर्फ उसको एक मौका दे के देखें, मेरी खातिर मास्टर शेफ ऑडिशन में आने देंगे। बहुत कम पेरेंट्स को ऐसा बच्चा मिलता है जो इतना आर्टिस्टिक होता है। हमें उसको मौका देना चाहिए। मैंने उसको बोला एक डिश बनाने को, आजा हीरो। क्या बात है। असम के चाय के खेतों की तरह खूबसूरत है डिश। अब तू आशीर्वाद ले उनसे। मेरी हाँ काफी नहीं है, दो जजेस और हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। इसको लेके जाता हूँ और देखते हैं क्या बनाएगा उनके लिए। सफर मुश्किल है पर सफर इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर शेफ में जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है। क्या आज विकास टेस्टिंग करवाएंगे? उससे भी बड़ी चीज हो रही है, मैं नयन ज्योति को लेके आया हूँ। अमेजिंग। भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब इम्तिहान इस डिश में। आई होप यू विल डू वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिखने में खूबसूरत। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। अब ये बताइए कि ये जो प्रॉफिट रोल्स हैं, जो शू बन है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्पॉन्ज क्या है और ये चॉकलेट बार्क क्या है? इनसाइड इसमें मिल्क चॉकलेट गनाश है। मिल्क चॉकलेट गनाश। सेंटर में लाइम कर्ड का फीलिंग डाला है। ये ड्राई केक बनाया है चॉकलेट का, और चॉकलेट ब्लॉक्स ये भी बनाया है मिल्क चॉकलेट से। You've done good so far. Thank you so much, sir. Okay, पहले profit roll check करते हैं। जो आप करना चाह रहे थे lemon curd center और साइड में चॉकलेट का ना, you've been able to do it really well. Thank you. Yeah? Yes. Thank you.
नहीं ज्योति, आज आपने हमारे लिए डेजर्ट क्यों बनाया? डेजर्ट मेरा स्पेशलिटी है और डेजर्ट बनाना मुझे बहुत पसंद है, उसी के लिए मैंने आज डेजर्ट ही चुना कि शायद आपको भी पसंद आ जाए मेरा डेजर्ट। अगर आज ये एप्रन आपको मिलता है, व्हाट नेक्स्ट? तो आई थिंक आई विल डू मच बेटर देन दिस। और अगर एप्रन मिल जाएगा तो पापा को भी मतलब काफ़ी पसंद होगा कि ठीक है, लड़का कुछ कर सकता है। अब एप्रन मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी इम्पोर्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और अगर ये आज नहीं हुआ सो आपकी कुकिंग जो जर्नी है, क्या आप उसको छोड़ पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। कुकिंग तो जर्नी मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये मतलब जब मेरा डेथ होगा उसी वक्त खत्म होगा कुकिंग जर्नी मेरा। लगता सारा प्रेशर मेरे पे। अब क्या बोल रहे थे, इंस्टाग्राम है इनका? यस सर। हाँ, आपके इंस्टाग्राम के लिए एक फोटो खींचे। यस सर। मैं लेट्स डू इट। कम, नॉट सो गुड, कुछ अच्छी नहीं लग रही है। एक मिनट, कुछ मिसिंग लग रहा है। हाँ, मजा नहीं आया। एक मिनट रुको, लेट्स ट्राई दिस। गरिमा, यू वांट टू कम इन? नो सर, दिस एंगल इज आल्सो नॉट वर्किंग। दिस इज वर्किंग। I think ऐसे करते हैं। अभी अभी ठीक है। Now it's complete. ये जो आपने बनाया है ना, लोग जो बड़े सालों तक स्कूल जाके नहीं बना सकते। ये एक एक चीज बड़े बड़े शेफ्स कंपटीशन में डालने से डरते हैं। जो प्रॉफिट रोल जो आपने बनाया, इट्स अ ट्रिकी थिंग टू पुट इन अ कंपटीशन, बिकॉज टेम्परामेंटल होता है प्रॉफिट रोल। ओके, एक दिन मैं खुद का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ और एक जाने माने शेफ बनना चाहता हूँ। अर्जुन, थैंक यू सो मच। बहुत लोग ऐसे हैं जो ना पैशन परस्यू करना चाहते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है, बट आज आपने प्रूव कर दिया कि पैशन इज एवरीथिंग। अब ये याद रखना कि इस डिश को बीट करना है अगले कॉम्पिटिशन में। ओके, ले जाओ खाने तो दे। थैंक यू सो मच। कैसे पता टेक्निकली चीज इतनी करेक्ट है? ये इसके चॉकलेट की टेम्परिंग, आई एम सरप्राइज्ड। रिस्क टेकिंग, मजा आ गया जी। खन्ना साहब, मेरे को थापी दे दो दोनों। खन्ना साहब, नजारा आ गया, नजारा। थैंक यू। सिलेक्ट हो गया मैं। मास्टर शेफ इंडिया में जायके का सफर पहली बार पहुंचा नवाबों के शहर हैदराबाद, और आज शेफ रणवीर शेफ विकास को ले आए हैं हैदराबाद की ऐसी एक अनोखी डिश से मिलवाने, जो है पत्थर का गोश्त। अरे वाह सर, नमस्ते, कैसे हैं? हाय हाय, वेलकम जी। क्या खुशबू आ रही है। ये जो पत्थर है ना, हाँ। इसको यहाँ पे गुल पत्थर बोलते हैं। लाइट वाला, लाइट एकदम फूल जैसा हल्का हो जाता है पकने के बाद। पहले भारी होता है ना, फिर सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है पोरस।
तो गुलबर्गा का गुल पत्थर जो है वो बेस्ट माना जाता है, सबसे महंगा भी वही है। जी सर। अब अंग्रेजी में इसे क्या बोल देते हैं हम लोग? रोज सेंटेड, कुक्ड ऑन लो हीट ऑन रोज स्टोन विद रोज एसेंस विद द रोज हार्ट। मैंने इसके बारे में इतना सुना है पर मैंने आज तक कभी खाया नहीं है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट पीसेस ऑफ मीट आई हैव हर्ड। इट्स अ गुड स्टार्ट, गुड चेंज। थैंक यू जजेस, बट आई होप हैदराबाद में हमको ऐसी लॉस्ट रेसिपीज और देखने मिले। पक्का मिलेंगी, पक्का मिलेंगी। कैन नॉट वेट। तो हैदराबाद करते हैं स्वाद से जिंदवा। मास्टर शेफ जीतने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए है वो है कंसिस्टेंसी। पहला जो होता है वो फ्लेवर होता है और टेस्ट होता है। 99% परस्पिरेशन, 1% इंस्पिरेशन। हेलो शेफ, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आपका नाम क्या है? अरुणा विजय। कहाँ से हैं आप? मैं चेन्नई से हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरे दो बच्चे हैं। सो या बहुत कुछ करती हूँ एंड मीनवाइल मैं इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट क्रिएट करती हूँ और मैं एक तमिलनाडु का माइक्रो क्यूजीन स्टडी कर रही हूँ। क्या मतलब माइक्रो क्यूजीन का? मतलब टू द वेरी लोकल एरिया जो क्यूजीन है, डेप्थ में है, उसके बारे में रिसर्च कर रही हूँ। जैसे होता है मदुरई सौराष्ट्रियन क्यूजीन है, कुंगरारू क्यूजीन है, तंजावुर मराठा क्यूजीन है, द कायलपट्टनम क्यूजीन है। मेरा यही यू नो अटेम्प्ट है कि ये डिशेज को मैं डॉक्यूमेंट करूँ, रिक्रिएट करूँ, मुझे उसके बारे में और पढ़ना और लोगों को उसके बारे में बताना। आप एक प्राउड तमिलियन है? आई एम एक्चुअली अ प्राउड मारवाड़ी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन तमिलनाडु। अच्छा। बट आई वुड कॉल दैट माई लैंड, दैट माई होम, बिकॉज आई थिंक जो मेरे को तमिलनाडु ने दिया, आई थिंक वाळवेकुम नाड इन तमिलनाडु। वाळवेकुम नाड इन तमिलनाडु, इसका मतलब यहाँ सभी को तहे दिल से अपनाया जाता है। ये शहर हर किसी को अनेक अवसर देता है अपनी पहचान बनाने के लिए। तमिलनाडु मेरा बर्थ प्लेस है और मुझे ये जगह से बेहद प्यारे। This is home. I can't imagine anything better than this. मैं एक entrepreneur हूँ। मेरे family का pre-owned car का showroom है। और हम काफी generation से ज्वेलरी बिजनेस में भी हैं। इन सब का मैं अपने हस्बैंड के साथ इक्वली टाइम देती हूँ बिजनेस रन करने के लिए। मैं यहाँ की माइक्रो क्यूजीन्स को स्टडी करने के स्टेप में बस अभी आगे बढ़ी हूँ, थोड़ा उसके पर रिसर्च कर रही हूँ। काफ़ी सारे जो रेसिपीज है ये कोई भी बुक्स में या इंटरनेट में नहीं है, ये सिर्फ होम कुक्स है जो आज भी वो रेसिपीज बनाते हैं और ये रेसिपीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तमिलनाडु का लॉस्ट और लिटिल यू नो अननोन रेसिपीज है, लोगों के पास पहुंचने के पहले अगर ये ख़त्म हो जाए, मुझे वो चीज़ डॉक्यूमेंट करना है। बहुत अमेजिंग है क्योंकि आमतौर पर मारवाड़ी जो है वो मारवाड़ी खाना जल्दी नहीं छोड़ते, चाहे वो कहीं भी चले जाएँ। बट आपको देख के ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान में हम जहाँ रहते हैं वहाँ के बस यूँ हो जाते हैं, बस वहाँ के हो जाते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू शेफ। और एक ये भी है कि साउथ इंडियन बोल लो इडली डोसा खा रहे हैं, बंगाली बोल तो सिर्फ मिश्री दही और रसगुल्ला खा रहे हैं ना। सो लोगों को ये समझना चाहिए कि शुड जस्ट स्टॉप टाइप कास्टिंग पीपल, टाइप कास्टिंग देयर फूड, एंड देयर सो मच मोर तमिलनाडु एज अ लैंड हैज टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ फूड रादर देन इडली एंड डोसा एंड सांभर। लोग आजकल वो फ्यूजन फूड में इतने इंटरेस्ट चले फॉरेन क्यूजीन में, पर भूल जाते हैं कि हमारे देश में इतना कुछ है। मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी। अभी आपने बोला फ्यूजन फूड जो सब करते हैं उसमें हमारी ओरिजिनल रेसिपीज कहीं खो जाती हैं, फिर आपने पैना कोटा क्यों बनाया? फिर फ्यूजन का मतलब लोग गलत लेते हैं। फ्यूजन होता है वो डिश के फ्लेवर्स को मेंटेन करना, बस उसको फॉर्म शायद आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, पर डिश को मारना फ्यूजन नहीं है। जैसे पानीपुरी में चॉकलेट सॉस डाल देना इज लाइक किलिंग द पानीपुरी यार, बस खत्म हो गया उसका। दैट इज नॉट फ्यूजन, इट्स कीपिंग द फ्लेवर्स अलाइव, just the form is different over here, nothing has changed. aapko master chef ki kya zarurat hai? chef god's grace sab kuch hai, acche family, par ek hota hai na jo maine khud ne kya kiya, maine khud ne kya banaya mere liye, kal mere bacche mere ko dekh ke you know they look up to me,
खुद के लिए कुछ करना, खुद के लिए कुछ अचीव करना कि यू नो, बट आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार मैंने खुद किया। क्या बनाया आपने आज? जो डिश में लेके आई हूँ ये मदुरई ऑन अ प्लेट है और इसमें दो एलिमेंट्स हैं। द फर्स्ट वन एक फ्रेंच डेजर्ट से इंस्पायर्ड जिगरदंडा का पैनाकोटा है और जो सेकंड वाला वो है कोतू परोटा डंपलिंग्स विद एम्प्टी सालना जो एक वेरी पॉपुलर मदुरई स्ट्रीट फूड है। सो मदुरई इज जनरली बहुत एक हॉट सिटी है एंड ये जो ड्रिंक है इट्स वहाँ पे बहुत लोकल ड्रिंक है जो समर्स में नॉर्मली यू नो दे कंज्यूम इट एंड इसके अंदर जैस्मिन क्रीम इन्फ्यूज्ड किया मैंने सिरप। जब मैंने पहली बार जिगर ठंडा पिया तो मुझे लगा ओह माय गॉड ये क्या मुझे मिल गया, यू नो मदुरई टेम्पल के बाहर खड़े होके एट होल्ड जो हमारे पुरखों ने कैसी जगह हमको बना के दी है एज अ लेगेसी, हमने वही मेमोरीज मेरे सामने आकर रख दी। तो आपने जेलेटिन का इस्तेमाल किया इसमें? नहीं, अगर-अगर यूज किया। अगर-अगर का यूज किया, परफेक्ट। यू आर अ प्योर आर्टिस्ट। थैंक यू शेफ। नीचे क्या बाइट है? सो आपको जो इसमें आ रहा है इसको बादाम पिस नहीं बोलते हैं, एलमंड गम बोलते हैं। सो इसमें नन्नारी का सिरप यूज किया हुआ है, एलमंड गम या बादाम पिसनी एंड मिल्क एंड क्रीम। मुझे थोड़ा जिगर ठंडा के बारे में बताइए। सो जिगर ठंडा जो है मदुरई का ड्रिंक है एंड इसके अंदर जो होता है नन्नारी या सरस परीला बोलता सरस परीला रूट उसका सिरप है एंड समटाइम्स इवन दे पुट रोज सिरप डालते पर हाँ, मैंने उसने नहीं यूज किया। थैंक यू। जो गम है गोंद है आमंड वाला वो आपने इसके अंदर ही डाला है? हाँ, इसके अंदर ही डाला, उसको सोक किया बिकॉज़ इट वो ट्रिपल द क्वांटिटी बढ़ जाता आपको, फिर स्ट्रेन करके इसमें ऐड किया। नन्नारी सिरप और वो गम, दैट्स व्हाट मेक्स अ जिगर ठंडा, जिगर ठंडा, वरना तो फिर वो फालूदा हो गया ना। देखिए हम हर डिश को यहाँ पर तीन पैरामीटर्स पे रखते हैं और वो है टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन। अगर खाने की बात करें जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि एक बहुत मेलोड डाउन पानाकोत्ता वर्दी वर्जन आपने रखा। मैं डिश के लिए आई'ड से 80% हाँ कहूँगा और 20% मन को चीट करते हुए ये देखने के लिए कि आप आगे जाके उस एसेंस को कहीं ना कहीं और अच्छे से रिप्रेजेंट कैप्चर और रिस्पेक्ट कर सकती हैं या नहीं। बहुत इफी हाँ है लेकिन हाँ है मेरी तरफ से। आई विल वर्क ऑन दैट शेफ। जैसे शेफ रणवीर ने बोला आपकी थॉट आपकी इंटेंशन बिल्कुल 100% सही डायरेक्शन में है। ये थॉट को हम किसी तरह से अगर आपको आगे हेल्प कर सकते हैं लेके जाने के लिए वी वुड वांट टू ट्राई टू डू दैट, तो उसके लिए मेरी तरफ से हाँ है। थैंक यू शेफ। देयर इज समथिंग अबाउट द साउथ इंडियन फूड विच नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड मोर देन व्हाट इट इज सेलिब्रेटेड। आप तो उन लोगों के बारे में क्यूजीन कर रहे हैं कि जो आपकी नेटिव क्यूजीन भी नहीं है बट यू फील कि उनको वॉइस देनी बहुत ज़रूरी है। सो मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है। Congratulations! आपको MasterChef Kitchen का apron मिलता है। Wish you all the best. Thank you. Congratulations. Thank you, Chef. This is so amazing. ये apron जो है मेरे लिए बहुत 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 जरूरी है। मेरा जो हमेशा से motive है South Indian dish को central platform पे लेके आना, लोगों को दिखाना, तीनों chef ने उस चीज को validation दिया और so I think इससे better platform हो ही नहीं सकता।
वेलकम। आइए जी। मेरा नाम दीपा चौहान है। दीपा जी, बैंगलोर से आई हूँ। क्या बनाया आपने? मैंने आज बनाए हैं कड़ी चावल और टूक। कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन उसमें प्यार जो है और जो सिंधियों का कड़ी चावल से लगाव, हर संडे का कंफर्ट बोल और उसके बाद चैन की नींद। पूरा सिंध है जी, पूरा सिंध है। आलू टुक, भें, कड़ी चावल, थोड़ी सी मीठी बूंदी भी है जो घर पे बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि सिंधी खाने की पहचान थोड़ी कम है। लोग जानते तो हैं, लेकिन मिलता नहीं है इजीली खाने को। तो यही प्रयास है कि सिंधी खाना और लोगों तक पहुंचे। मैं हमेशा कहता हूँ सिंधी कल्चर जो है, इट्स अ कल्चर ऑफ रेजिलियंस। सिंधी जब आए तो कैसे अपना घर छोड़ के सब जगह अपना घर बना लिया। मैं वही कहती हूँ कि हम कहीं के नहीं हैं, लेकिन सब जगह के हैं। सिंध अपना पूरा माजी छोड़ कर आए हैं और हमारे पास बस है यादें और हमारा खाना और ये अजरक, तीन चीजें रह गई हैं। आप शिकारपुरी सिंधी हैं? हमारी फैमिली एक्चुअली बलोची साइड से भी है। उनका बिजनेस बलोच में, घर शिकारपुर में और मिल्स कराची में, तो तीन जगह फैले हुए थे। और इसीलिए परिवार बच पाया, क्योंकि क्वेटा में जब अर्थक्वेक हुई तो आधा परिवार नष्ट हो गया। बच्चे एक दो रह गए जो मेरी दादी के गोद में आए, और दादाजी ने कहा आज से ये तुम्हारा बच्चा। फिर कराची में तो मतलब मिल्स वगैरह थी वो बंद हो गई, पार्टीशन में आ गए। थोड़ा सा जो भी था उनके पास जोड़ जाड़ के यहाँ ले आए। पंजाबी में एक गाना है, उसका एक उसकी एक लाइन है कि रावी तो चनाब पुछ दी की हाल है सतलुज दा। आज भी जो है वो नदियां जो है ना आपस में बात करती हैं कि हाल क्या उनके। तो पार्टीशन के कई पुरानी तस्वीरें हैं, कुछ शिकारपुर की, कुछ मेरे एंसेस्टर्स की, तो वो देखती रहती हूँ और अच्छा लगता है उनसे जुड़े रहने का ये तरीका। मास्टर शेफ में आने का मेरा मेन कारण या मकसद यही होगा कि मैं सिंधी खाने को प्रमोट करूँ और उसे ग्लोबल रिकग्निशन दूँ। चलिए टेस्ट करें। आई ओह, एंड आई आल्सो लव इट हाउ यू गिवन इट अ मॉडर्न लुक, मॉडर्न अपील। I hope the taste doesn't disappoint. अपने गार्निशिंग के लिए क्रिस्पी भिंडी, क्रिस्पी भेम। Hey, यानी के नद्रू के चिप्स बोल दीजिए, लोटस स्टेम बोल दीजिए। सिंधी उनको भी बोलते हैं, भी वो नाक से आनी चाहिए आवाज। हेलो शेफ करीमा। हेलो। आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो महिलाओं के लिए, पहला इंडियन विमेन्स मिशलन स्टार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच दीपा जी। आप मुझे इंस्पिरेशन बोल रही हैं। हमने काफ़ी ऑडिशंस करे हैं, एंड इन ऑडिशंस के थ्रू अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट्स से बहुत लोग अपना खाना लेके आए हैं, पर आज पहली बार किसी ने सिंध को रिप्रेजेंट किया है प्लेट पे। आई एम ग्लैड आई कुड डू दैट। आप आज हमारे पास ऐसे फ्लेवर्स लेके आई हैं जिससे पहले कोई नहीं लेके आया, एंड विद सो मच पैशन, दैट्स अमेजिंग टू सी। प्लीज मुझे पता है आपने यहाँ पे अपने सिंध को रिप्रेजेंट किया है, बहुत सिंपल तरीके से किया है। क्या आपको लगता है कुछ ज़्यादा सिंपल हो गया? गुड लक टू यू। मीठी बूंदी, हाँ, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा।
मिठास के लिए क्या यूज किया आपने? टमाटर तो है ही, सिंधीज में एक कोकम का फूल एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, इमली भी यूज कर सकते हैं, वो सिर्फ खट्टी होगी। आपने इमली यूज किया है कि कोकम का फूल? कोकम का फूल यूज किया है, पक्की सिंधियाणी आया। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड, कि कुछ लोग कहते हैं हम लाल वाली इमली यूज करिए एंड दे फील वेरी प्राउड ऑफ इट, बट एक्चुअली लाल इमली या काली इमली से फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली कोकम का फूल, कोकम का फूल वो फ्लेवर कॉम्प्लेक्सिटी उसकी आती है। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, हाँ या ना, पर मैं तीसरा ऑप्शन यूज करूंगा, बहुत बड़ी हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू, नर्वस कर दिया आपने मुझे। कड़ी की कॉम्प्लेक्सिटी और उसको किस तरह आपने सिंपली द वे यू पुट इट टुगेदर, आई थिंक वो बहुत खूबसूरत था। थैंक यू सर। दिखने में सुनने में तो आपकी डिश बहुत सिंपल है, पर खाने में बिल्कुल नहीं थी। इसमें सबसे पहले जो आपने टेक्सचर्स के साथ खेला है, मेरे को दिख रहा है आपने बहुत डेलिब्रेटली ये टेक्सचर्स यूज़ करे हैं। टेक्सचर्स एक डिश में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो भूल जाते हैं, हम फ्लेवर पे ही ध्यान देते हैं, बट माउथ फील जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है खाने का, वो इतनी सिंपल डिश में भी था। थैंक यू। बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स, स्वीट, सावर, स्पाइसी, उमामी, बिटरनेस, ऑल फाइव फ्लेवर्स एक प्लेट में, सो परफेक्टली बैलेंस्ड। आई थिंक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से तो हाँ है। थैंक यू शेफ करीमा, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। अब मुझे देख के लग रहा है कि यू आर ऑन अ मिशन, और मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा सिंध का खाना, ये खाना हर जगह पहुँचे, क्योंकि आपका जो नमक है ना वो भी दिल को छू रहा है। उसमें मल्टी डायमेंशनल सॉल्ट का फ्लेवर आ रहा है, खटास भी एक लेवल की खटास नहीं है, उसमें भी लेयर्स है। सो सिंपलिसिटी इज सुप्रीमेसी जो आज आपने इस प्लेट में दिखाया है, सो मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। यानी कि हम सब की तरफ से हाँ है, यू आर गोइंग अहेड, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच डीएमएन जी सिंध, दैट्स द मास्टर शेफ एप्रन, आई एम सो ऑनर्ड, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। मास्टर शेफ सारी दुनिया में खाने को पहचान देते हैं, पर आज आपने सिंध के खाने को पहचान दी है इस प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक यू शुड बी वेरी प्राउड, योर फैमिली शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस। थैंक यू शेफ, सी यू ऑन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मास्टर शेफ। थैंक यू। आई थिंक हैदराबाद में सिंधी खाना, मारवाड़ी खाना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट? क्योंकि जब हम आए थे हमें लगा साउथ इंडियन खाना होगा, हैदराबाद का खाना होगा, एंड दैट वुड बी इट। बट हिंदुस्तान जो है ना वो कहीं भी शहर में जाओ हिंदुस्तान की झलक जो है वो कहीं नहीं जाती है। मुझे तो लगा था हैदराबाद में शायद बिरयानी ही मिलेगी, बट मिली नहीं, अभी तक नहीं मिलेगी। मजे की बात है, हैदराबाद के हर 100 मीटर में बिरयानी का राज चलता है। अलग अलग अंदाज से अलग अलग जायकों वाली बिरयानी हैदराबाद की शान है, और हमारे जजेस कर रहे हैं इसी बिरयानी का इंतजार। क्या उनका इंतजार होगा खत्म? हेलो, हेलो शेफ, बहुत अच्छी प्लेट है। प्लेट तो अच्छी है, खाना वो भी आ जाएगा सर। Oh my God! अब हैदराबाद में है तो बिरयानी तो होगी ना, हैदराबादी स्टाइल में। हम वही सोच रहे थे अभी तक बिरयानी क्यों नहीं मिली। हाँ, कुछ ट्रेडिशनल सा है, सिग्नेचर डिश है हैदराबाद शहर की, जो एक तारीखी शहर है, चार जनरेशन से ये रेसिपी चली आ रही है। मेरी जान, नाम तो बता दो। नाम मेरा अमजद लाला है, एक्चुअल नेम इज सैयद अमजदुल्लाह, बट आई एम आल्सो नोन एज अमजद लाला। पुश्तैनी काम है खाने का? नहीं, पुश्तैनी काम नहीं है, मेरी परनानी ने अपनी रेसिपी मेरी नानी को बताया था, नानी ने माँ को बताया, माँ ने मुझे बताया, माँ को हेल्प करते करते खाना सीख गया। क्या बात, एक वाइफ है, पांच बच्चे हैं और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वाह,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये खाने से हाँ सीरियसली अच्छा मुझे एक बात बताइए हैदराबाद के हर एक लेन में इतनी बिरयानी की दुकानें होती हैं एक एक लेन में पांच पांच दुकानें मिलती हैं इसमें क्या स्पेशल है आजकल कमर्शियल वर्जन बहुत हो गया है हमारे यहाँ चिकन की बिरयानी को बिरयानी नहीं कहते बिरयानी मटन की ही होती है गोश्त नहीं है तो बिरयानी हाँ बिरयानी गोश्त की होती है मेरी बिरयानी की जो रेसिपी है वो मेरी फैमिली की सीक्रेट रेसिपी है जो पिछले चार जनरेशन से फैमिली के अंदर चली आ रही है जब मैंने ये काम शुरू किया मुझे कोई नहीं जानता था तो फिर मैंने ये किया कि किसी की फंक्शन में जो है ना थोड़ा सा अपना काम दिखाया जब लोगों ने बिरयानी टेस्ट की तो उसी से मुझे एक दो काम मिलते रहे अब हम लोग प्री वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग वाला काम करते हैं इंग्रेडिएंट्स भी मेरे जो है स्पेशल हैं सर्टेन क्वांटिटी में पड़ते हैं इनके बनाने का तरीका भी स्पेशल है मेरी गोश्त की क्वालिटी बिल्कुल प्रीमियम होती है मेरे चावल प्रीमियम होते हैं स्पाइसेस प्रीमियम होते हैं रही बात प्राइस की मैं मार्केट में जो है महंगा हूँ महंगा होने की वजह यह है कि आई एम नॉट कमर्शियल हैदराबाद में मेरी बिरयानी काफ़ी पॉपुलर है ख़ास करके जो अपर मिडिल क्लास और एफ्लुएंट क्लास के लोग हैं जो ख़ानदानी लोग हैं जिनको ओरिजिनल ऑथेंटिक बिरयानी का टेस्ट पता है मैं इनमें बहुत पॉपुलर हूँ और मेरा ये मानना है कि मास्टर शेफ़ के तीनों जजेस जो हैं उनको मेरी बिरयानी बहुत पसंद आएगी और वो अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगी ये ट्रेडिशनल मिर्च का सालन हम लोग इसे दही की चटनी कहते हैं और रायता नहीं कहते ये लीजिए थैंक यू ये हैदराबादी तरीका है बिरयानी खिलाने का जब तक ऐसे ढेर ना बने तब तक बिरयानी बिरयानी नहीं हुई नहीं जी मैंने बिस्मिल्लाह सॉरी यार्स नीचे से मसाले के साथ सर थोड़ा जगह दे दो ना गरिमा तू खा ले पहले हाँ खाने दो ना हमेशा बोलते हो विमेन फर्स्ट अब बिरयानी पे नहीं यू आर फर्स्ट हाथों में जो स्मेल आती है ना तभी मैंने कहा चम्मच तो जस्टिफाई नहीं करेंगे लाला जी यू आर अ मैजिशियन Wow. खट्टा तीखा नमकीन स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बोल्ड इसे कहते हैं बोल्ड फ्लेवर्स मैरिनेशन वगैरह सब सही है लाला जी थैंक यू सर देखिए नॉर्मली क्या होता है ना यहाँ पर टेस्टिंग होती है गरिमा खास तौर से हर चीज को हर एलिमेंट को थोड़ा थोड़ा लेके और डिश को समझ लेती है आज यहाँ टेस्टिंग नहीं फीस्टिंग हुई है अगर हम आपको एक मौका दें मास्टर शेफ किचन में आने के लिए तो बिरयानी के अलावा और टेबल पे आप क्या लेके आएंगे बिरयानी के अलावा कोई ऐसी चीज लेके आऊंगा जो बहुत ट्रेडिशनल है क्या मुख्तलिफ किस्म के पुलाव हैं करीज हैं ये सारे ला सकते हैं अगर बिरयानी की बात करें तो बहुत बहुत उम्दा बिरयानी है थैंक यू बिरयानी नहीं पूरी गजल है थैंक यू सो मच ऑनर्ड मैं सिर्फ अपनी तरफ से हाँ बोल रहा हूँ थैंक यू जितने प्यार से आपने बिरयानी बनाई है अगर आप और डिफरेंट क्यूजींस को टच करेंगे तो आप उनको भी निखारेंगे श्योर सो मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतनी बेहतरीन प्लेट बिरयानी की दी है, अब हम आपको कुछ देंगे। लाला जी, मास्टर शेफ का एप्रन। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू, थैंक यू। आज जीत उनकी नहीं, उनकी पर नानी की हुई, एक फैमिली की हुई, जिसने वो रेसिपी को अपने दिल से लगा के जनरेशन दर जनरेशन आगे तक लेके गए। आज उनको उनका हक यहाँ मिला। और वो बात बिल्कुल सही है कि हैदराबाद की बिरयानी फेमस हो गई, लेकिन एक कमर्शियल बिरयानी फेमस हुई। घरों का हैदराबाद का खाना जो है वो बहुत 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 ज़्यादा डाइवर्स है, डिटेल्ड है, और उसमें वो नफासत और नज़ाकत है जो कमर्शियल खाने में नहीं है। एंड दैट आई थिंक नीड्स टू कम आउट। Awesome. नमस्ते। नमस्ते। वाओ, ये तो पूरा त्योहार आया। संडे स्पेशल। संडे स्पेशल। सो ब्यूटीफुल। कहाँ का संडे स्पेशल है ये? ये हमारा घर का ट्रेडिशनल संडे स्पेशल है। आप बताएंगे क्या क्या है यहाँ पे? ये बोम्बिल फ्राई, ड्राई झींगा, रायता, सीताफल बासुंदी, चिरोटे राइस, पिकल, मुर्ग मिसलम, मटन सूप, बाजरे की रोटी। इसको याद करने में हमको 10 मिनट लगेंगे अगर फिर से। आप बताओ हम शुरू कहाँ से करेंगे? I know. यहाँ से अब लग रहा है पूरा महाराष्ट्र है। एक प्लेट में जी खाने से ज्यादा खिलाने में इंटरेस्ट है। जो सामने वाले के चेहरे पे खुशी दिखते मेरा पेट उधर ही भर जाता है। रेस्टोरेंट स्टाइल कुकिंग में टेस्ट आ रहा है, वो कैसे है? मैं पहले से जो घर का है वो हमारा ट्रेडिशनल मसाले वही। कहां से आपने? टेलीविजन से, आप लोगों को देख देख के सीखा है। ओके, मेरी तरफ से हाँ है, मैं बैठ जाता हूँ जाके। हाँ बोला मैंने, क्यों रो रहे हो? बिल्ली उड़े हो रहा है। क्या नहीं हुआ? यहाँ तक भी कैसी आई हूँ मेरे मेहनत से मुझे पता है। ओह माय गॉड, आज तक हाँ बोलने पे इतना कोई नहीं रोया है। हाँ है। थैंक यू सो मच। इनको इसको बोलिए थैंक यू। ये जो है ना, ये इनको बोलिए थैंक यू। ये जादू है, ये थाली नहीं है। बहुत देर बाद मैंने खाना ऐसा खाया है जो मुझे लग रहा है कि हम इस लेवल तक पहुंच भी नहीं सकते। ये ऐसे नहीं बनता, ये प्रैक्टिस है। मुझे एक बात बताएं, कभी घर पे किसने अप्रिशिएट किया है? ये आर्ट है। नहीं, वो सिर्फ खाते हैं। Oh my God, this is amazing. You know, हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन, बट सबसे इम्पोर्टेंट तो खाने में टेस्ट ही होता है।
कभी कभी टेस्ट इतना यू नो ओवरवेल्म हो जाता है, बाकी हम किसी को चीज को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज आपने टेस्ट के साथ वो किया है। ये बेसिकली आपका नाम होना चाहिए टेस्ट का एटम बम। मैं बोल रहा हूँ मतलब इट विल बी इनजस्टिस टू आवर कल्चर अगर आपको आज हमने खाली हाथ भेज दिया बिना कुछ दिए। इसमें से कुछ भी आप वापस नहीं ले जा सकते, अलाउड नहीं है। और भी अगर डब्बे में पीछे पड़ा हुआ है तो वो भी छोड़ जाइए, वो भी वापस ले जाना अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी को भी फोन कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। एक प्लेट नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है होम कुक्स का, उनके पैशन का, उनकी ड्रीम्स का, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी एप्रिसिएशन का। हम जनरली जैसे कह रहे थे कि घर में कोई तारीफ करता नहीं मेरी, खाना खाते हैं। एक्चुअली ये शो ही नहीं है, लोग बोलते हैं ना मास्टर शेफ शो है। मास्टर शेफ शो नहीं है, मास्टर शेफ इज अ सेलिब्रेशन ऑफ फूड। एब्सोल्युटली शेफ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।